Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 8th unit, which is synonyms and antonyms, right? Now, today we are going to start your 9th lesson, which is pronouns. So, what does meaning of pronouns? So, here you have given a definition of pronouns. So, let's read. A pronoun is a word which is used in a place of a noun. I E means इसका मतलब है कि that is, उसका that is होता है. That is, it cannot be used until the noun has been used or mentioned. Okay? तो pronoun क्या है? तो pronoun ऐसा word है जो कहाँ पे use होता है? Noun की जगह पे use होता है. You have already know that what, which are nouns, how many nouns and what is nouns, right? Noun kya hai, kaun se nouns hai. To us noun, jo nouns hai, nouns mein kya aata hai? Person, koi person, thing, animal ya place ki hum baat karte hai, to wo noun hai, right? To usi person, place, animals aur thing ki jagah pe hum jo use karte hai, koi word, to wo word hota hai aapka pronoun. जैसे कि बॉय है तो बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है ना बॉय. इसकी जगह पे हम ही यूज़ करें तो वो क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा. ओके, फिर है वो गर्ल की जगह पे हम शी यूज़ करें तो वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा. ओके, वैसे ही आपको बहुत सारे टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रोनाउंस दिए हैं, मतलब कि प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स है वो दिए हैं. जैसे कि एडजेक्टिव में टाइप्स थे डिफरेंट, राइट? आप एडजेक्टिव पढ़ चुके हो, है ना? उसमें आपने बहुत सारे टाइप देखे थे, उसके नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसमें से इसमें बहुत सारे मिलते जुलते आते हैं. फिर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है. फिर है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है. ओके, तो ये फिर है डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, तो इसमें भी डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ओके, तो आप इसके बारे में प्रोनाउंस के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंस के बारे में आप भी पढ़ोगे इसमें. ओके, तो लेट्स सी. तो फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? वी हैव स्टडीड दैट पर्सन प्रोनाउंस हैव थ्री पर्सन्स. ओके, तो क्या है कि हम पढ़ चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस हैव थ्री पर्सन्स. ओके, तो हमें पता है कि जब कोई पर्सन प्रोनाउंस होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें पर्सनल पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें थ्री पर्सन्स होते हैं. तो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो उसमें तीन टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अभी फर्स्ट पर्सन क्या है पता है? जब इज़ द पर्सन स्पीकिंग. ओके, तो जो बोलता है, जो बोल रहा है होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा होता है वो आपका सेकेंड पर्सन है, और जिसकी बात हो रही होती है वो आपका थर्ड पर्सन है. ओके, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हो, तो हम दोनों, तो उसमें मैं जो हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आप सुन रहे हो तो आप थर्ड सेकेंड पर्सन हो, और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका हमारा थर्ड पर्सन है. ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है कि द वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल पर्सन सॉरी प्रोनाउंस आर, तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है. जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई, हम बात करते हैं तो हम आई, तो हम हुए, और सिंगुलर है तो वो क्या हुआ आपका? फर्स्ट पर्सन. मी, माइन, माई सेल्फ, ये सारा क्या हुआ आपका? फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. और वी है, अस है, अवर है, अवर सेल्फ है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म हुआ. ओके, नेक्स्ट है आप हम किससे बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से, तो उसे आप क्या बोलोगे? यू बोलोगे. तो यू, यू आर, योर सेल्फ, वो आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, और यू, योर, योर सेल्फ सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म है. ओके, यू में तो आप प्लूरल फॉर्म हो या सिंगुलर फॉर्म हो, उसको यू ही बोलते हुए इन इंग्लिश, राइट?
फिर है थर्ड पर्सन, तो हम जिसकी बात कर रहे हो, जैसे कि हम और तुम दोनों बात कर रहे हो और तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो, तो वो जैसे कि ही है, हीज है, हिम है, शी है, ये ही हिज हिम ये बॉय के लिए यूज़ करते हैं हम, शी है और हर्स है ये गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, इट है तो इट हम कोई अदर चीज़ के लिए, थिंग या एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं, फिर है हिमसेल्फ हरसेल्फ, हिमसेल्फ बॉय के लिए, हरसेल्फ गर्ल के लिए, और इट सेल्फ कोई चीज़ या फिर कोई एनिमल के लिए, राइट। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, और फिर है थर्ड पर्सन प्लूरल में, तो दे है मतलब कि हम दूसरों की बात कर रहे हो पर वो प्लूरल फॉर्म में है, मतलब कि बहुत सारे, अभी हम कोई बॉयज़ की बात कर रहे हो और वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम दे बोलेंगे, ओके, तुम और हम बात कर रहे हो तो वो थर्ड पर्सन हुआ ना, तो दे देम देयर्स आर देमसेल्व्स, ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ओके। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या है, और उसमें हम किस किस चीज़ को फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ को सेकंड पर्सन के लिए और किस चीज़ को थर्ड पर्सन के लिए, ओके। नाउ वी व्हेन द अबव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दे आर सेड टू बी इन अ नॉमिनेटिव केस, ओके। तो ये जो आपको दिखाए गए ऊपर वाले जो प्रोनाउंस है, ये आई है, मी है, माई है, माई सेल्फ है, यू है, यूअर है, ये सारे जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ही है ना, हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं ना ये सारे नाम, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी जगह पे आई का यूज़ करूँगी, राइट, तो वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। फिर है मैं अपनी कोई चीज़ की बात कर रही हूँ तो मी का यूज़ करूँगी ना, जैसे कि आप बोले कि कौन है तो मैं बोलूँगी मी, मैं हूँ, तो उसमें भी मैं अपनी जगह पे क्या इसका मी का यूज़ करी हूँ तो वो प्रोनाउन है, राइट। तो ये सारे प्रोनाउन जब सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ओके। आपको पता ही कि फर्स्ट जो आपके सेंटेंस में शुरुआत का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, ओके। जैसे इसमें आई एम गोइंग टू स्कूल, टू द स्कूल, तो जो आई है वो सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है आपका, और टू द स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ओके। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, ओके। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन काम करता है तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, ओके। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल द, सॉरी, गोइंग टू स्कूल, दे अराइव लेट फॉर द मीटिंग। व्हेन द अबव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दे आर सेड टू बी इन अ ऑब्जेक्टिव केस, ओके। तो ये जो ऊपर वाले प्रोनाउंस है वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सेक्रेटरी कॉल देम फॉर द फाइनल डिसीजन, तो द प्रोनाउन देम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन द सेक्रेटरी कॉल्ड होम, ओके। तो आपको बताया गया है जैसे कि इसमें आई और दे है, वो क्या है आपका प्रोनाउन है, आई इसमें है और दे इसमें है, प्लूरल फॉर्म है दे, और आई सिंगुलर फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है ये, प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन है, तो ये दोनों क्या हुए, ऑब्जेक्ट, सॉरी आपके प्रोनाउन हुए, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सो उसे क्या बोलेंगे आप, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। पर ये जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, द सेक्रेटरी कॉल्ड देम फॉर द फाइनल डिसीजन, उसमें जो देम है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है जो सेक्रेटरी के लिए यूज़ किया गया है, सॉरी सेक्रेटरी के लिए नहीं, सेक्रेटरी किसी को बुला रही है तो उसके लिए थर्ड पर्सन है ना, किसी की बात हो रही है ना, तो देम है प्लूरल फॉर्म में है, वो आपका प्रोनाउन है ना, तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो द सेक्रेटरी है, राइट, तो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट में आप क्वेश्चन करोगे कि द सेक्रेटरी कॉल्ड वूम, तो देम की जगह पे वूम लगाओगे आप तो आपको आंसर मिलेगा ना कि देम, आप एज आंसर क्या दोगे, देम, तो वो देम क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ।
तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसमें दो केस तो है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड है पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, व्हेन द अबव प्रोनाउंस डिनोट अ पोजिशन और ऑनरशिप दे आर सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस में तो आपको पता ही है, आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ा था। देखो हम देख लेते हैं एक बार फिर से, आपने कहाँ पे पढ़ा था, ये रहा पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब भी ऑनरशिप दिखाता हो ना, जो एडजेक्टिव आपकी ऑनरशिप दिखाता हो, मतलब कि ये माय अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला किसकी है, किसकी बिलोंग करती है, वो आपकी ऑनरशिप दिखा रहा है ना, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, ऑनरशिप दिखा रहा हो कोई चीज़ की, कोई वर्ड, तो वो वर्ड जो होगा वो आपका, वो क्या होगा आपका प्रोनाउंस होगा, कौन सा, पॉजिटिव केस प्रोनाउंस होगा। ओके, जैसे कि दैट इज़ माय हाउस, तो जो माय है वो आपका पॉजिटिव केस है, प्रोनाउन है माय, और कौन सा केस है, प्रोनाउन पॉजिटिव केस है, क्योंकि ये आपकी ओनरशिप दिखा रहा है किसके प्रति, हाउस के प्रति, राइट। फिर है अवर हाउस इज़ वेरी क्लोज टू द मार्केट, तो अवर जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है, क्योंकि अवर हाउस मतलब कि आपकी हाउस की मालिकी दिखा रहा है, अवर जो वर्ड है वो, तो आपको दिया हुआ है, देखो माय एंड अवर आर इन द पॉजिटिव केस, दे आंसर द क्वेश्चन हुज हाउस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसमें क्या है, हुज हाउस का मतलब आंसर दिया है कि माय हाउस और अवर हाउस, तो माय एंड अवर जो है वो आपकी मालिकी दिखा रहा है कोई भी चीज़ पे, जैसे कि हाउस पे दिखा रहा है, तो वो कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव केस हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको तीन जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस के वो समझ में आ गए होंगे। जब भी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो नॉमिनेटिव केस है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, और जब आपकी मालिकी दिखाता है कोई चीज़ पे तो वो पॉजिटिव केस है। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस में यही है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट से थर्ड फोर्थ से पढ़ के आ रहे हो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर चीज़ क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल चीज़ क्या है। ओके, नहीं है तो आप इसमें समझ लो कि जब भी हम फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात करता है, जो बोलता है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। ओके, और जिसे हम बात करते हैं मतलब कि जिसे हम बोलते हैं वो आपका सेकंड पर्सन है, और जिसकी बात कर रहे होते हैं वो आपका थर्ड पर्सन है। इतना माइंड में रख के देखो और फिर समझो कि हम बोल रहे हैं उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे लिए क्यों कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, हम जिसको बोलते हैं उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपके सेकंड पर्सन में आएगा, और जिसकी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपके थर्ड पर्सन में आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, पर हम पहले तो उसके टाइप्स, जितने भी टाइप्स है, जो पर्सनल हो गया आपका, अभी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेटिव से रिफ्लेक्सिव पीछे दिया हुआ है। ओके, तो रिलेटिव देखेंगे, पहले आपके टाइप देख लेते हैं फिर आपकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सेकंड टाइप दिया हुआ है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, और रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर टू और इज रिलेटेड टू अ नाउन यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस, आई ई मतलब दैट इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप वो whom, which, where, whose, that, etc. ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, जब भी आपकी जो सेंटेंस होता है इसमें आप जो वर्ड है वो whom, which, where, whose, had, that, इस वर्ड का यूज़ करते हो ना, तो वो वर्ड आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ओके, जिसके लिए आप यूज़ करते हो, जैसे कि whose, इसमें फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ द मैन whose सन इज अ बास्केटबॉल चैम्पियन, तो वो एक आदमी है जिसका, whose यानी कि जिसका, कोई पर्सन हो उसकी कोई चीज़ बिलोंग करती हो तो हम whose यूज़ करते हैं, राइट। तो जिसका सन क्या है, बास्केटबॉल चैम्पियन है, तो इसमें जो whose है वो आपका कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये जो वर्ड आएंगे वो whom, who, which, where, वूज दैट, कोई पर्सन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो या फिर कोई एनिमल के या कुछ चीज़ की बिलोंग के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं,
परफॉर्म कर रहे होते हैं. ओके, फिर है द डॉग विच हैज बीन पिक्ड अप बाय द म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, तो ये डॉग की बात की है कि विच हैज़ रेबीज हैज़ बीन पिक्ड अप बाय द म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, तो विच जो है वो आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट है, आपको रिलेटिव प्रोनाउंस की ऊपर ये एक्सरसाइज दी हुई है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है वो देख लेते हैं. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, i.e. दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो इसमें क्या है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या है कि जब कोई चीज़ सब्जेक्ट के द्वारा होती है, मतलब कि सब्जेक्ट कोई चीज़ करता है और फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी को इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट में इंडिकेट करता है, तो वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. इसमें आप देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव फॉर्म कौन से है, फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ है सिंगुलर में, और प्लूरल में है अवर सेल्फ. फिर सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट में सिंगुलर में माई सेल्फ, अवर सेल्फ प्लूरल में, सेकेंड में योर सेल्फ, योर सेल्फ इज. आपको पता ही है कि प्लूरल फॉर्म में लास्ट वर्ड एफ और एफ ई हो तो उसमें वी एस लगता है, राइट. फिर है थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो देम सेल्फ इज. ओके, तो जब भी ये प्रोनाउन क्या है आपको पता ही है कि जब भी हम सब्जेक्ट जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट अपने ही बात कर रहा होता है तो वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब इज सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, तो जो यही बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, सेम पर्सन या जो थिंग की बात होती है वो ही खुद ही होता है. जैसे कि इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी कॉन्ग्रेचुलेट अवर सेल्फ ऑन आवर सक्सेस एज अ टीम. तो इसमें वी जो है वो आपका आवर सेल्फ है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है जो वी को इंडिकेट कर रहा है. मतलब कि आवर सेल्फ मतलब वी सब्जेक्ट है आपका, तो वी मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं और आवर सेल्फ मतलब अपनी आपकी बात कर रहे हैं ना, अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं इसमें, राइट. फिर है रजत बॉट हिमसेल्फ अ कार, तो जो रजत है वो हिमसेल्फ जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, हिमसेल्फ वो अपनी ही बात कर रहा है, राइट. तो ऐसे ही जब भी हम सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट अपनी एज अ ऑब्जेक्ट अपनी खुद की बात कर रहा होता है तो वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है. फिर है द फॉक्स हॉल्ड इटसेल्फ द होल नाइट. ओके, तो उसमें भी द फॉक्स है इटसेल्फ अपने आप के लिए यूज हुआ है, राइट, एज अ ऑब्जेक्ट. तो वो भी क्या हुआ, तो आपको पता चल गया होगा कि एज अ ऑब्जेक्ट जो है अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये सारे कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. सो यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द शेक ऑफ एम्फेसिस, दिस आर देन कॉल्ड एम्फेटिक और एम्फेसिस प्रोनाउंस. ओके, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो एज अ एम्फेसिस भी यूज होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फेटिक और एम्फेसिस प्रोनाउंस बोलते हैं. जैसे कि यू योर सेल्फ सॉल्व द पजल, तो ये जो है यू योर सेल्फ, इसमें क्या है कि यू योर सेल्फ सॉल्व द पजल मीन्स कि आपके अलावा कोई सॉल्व पजल नहीं करेगा, तुम अपने आप से ही करोगे. जब ऐसा है ना सेल, तो उसका मतलब क्या होता है, एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस प्रोनाउंस होता है. मीन्स इसमें भी आपको बोला है कि शी हरसेल्फ क्लीन द गार्डन, मतलब कि वो अपने आप से गार्डन साफ करेगी, कोई और नहीं करेगा, ऐसा मीनिंग निकल के आए, तो वो क्या होता है, एम्फेसिस होता है. मतलब वही पर आपका क्या हो जाता है, एम्फेसिस प्रोनाउंस हो जाता है. तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कई बार एज अ एम्फेसिक प्रोनाउन भी यूज़ करता है जब
क्या सेंस निकल के आता है कि उसके अलावा ये काम कोई और नहीं करेगा वैसा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में यू एंड नन एल्स सॉल्व द पजल इज एम्फेसिस्ड। ओके, तो इसमें जैसे बताया गया, मैंने जैसे बोला सी क्लीन द गार्डन एंड नो वन एल्स इज एम्फेसिस्ड। ओके, तो अदर एम्फेटिक प्रोनाउंस वन माई सेल्फ ही हिमसेल्फ इट इटसेल्फ वी अवर सेल्फ दे देमसेल्फ। तो इसके अलावा एम्फेसिस प्रोनाउंस कौन से है, तो आई है, माई सेल्फ है, ही है, हिमसेल्फ है, इट है, इटसेल्फ है, वी है, अवर सेल्फ है, फिर है दे है, देमसेल्फ है। ओके, तो आई हो तो उसके लिए माई सेल्फ करेगी, ही है तो हिमसेल्फ, इट है तो इटसेल्फ। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ तो आई माई सेल्फ सॉल्व द पजल, तो मैं अपने आप से ये पजल सॉल्व करूँगी, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। ओके, फिर है ही हिमसेल्फ क्लीन द गार्डन, तो वही अपने आप से गार्डन साफ करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये सारे एम्फेसिस प्रोनाउंस है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस है वो समझ में आ गया होगा। अभी नाउ आपका से नेक्स्ट प्रोनाउंस है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो आपने एडजेक्टिव प्रोनाउंस पढ़ा था, राइट? एडजेक्टिव पढ़ा था, वैसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जिसमें वर्ड दैट पॉइंट टूवर्ड्स द नाउन और स्टैंड फॉर देम आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, जैसे कि आप किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते थे, वैसे ही डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि दिस इज द चेयर, तो हम इस चेयर को, किसी चेयर को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं, तो वो आपका क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर है दैट इज़ द टेबल, दैट इज़ अ टेबल, तो जो टेबल को इंडिकेट करने के लिए हमने दैट का यूज़ किया, दैट वर्ड का, तो दैट जो वर्ड है वो आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर है दीज आर माई पेन्स, तो दिस का यूज़ किया पेन को इंडिकेट करने के लिए, तो दिस जो है वो आपका क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर है दोज आर कुक्ड वेजिटेबल्स, तो कुकड वेजिटेबल्स के लिए हमने दोज का यूज़ किया, तो वो दोज जो है वर्ड वो आपका क्या है, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। द अबव बोल्ड वर्ड्स पॉइंट आउट थिंग्स और पर्संस। ओके, तो उसमें बताया गया है कि जो ये वर्ड्स है, बोल्ड वर्ड, दिस दैट दिस दोज, तो वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो थिंग या पर्सन को, इसमें पर्सन तो है नहीं, सारी चीज़ें ही है, तो चीज़ों को या फिर ये किसी पर्सन को भी हम इंडिकेट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं, कि जैसे कि दिस इज़ अ बॉय। ओके, तो यही बॉय है, मतलब कि ये, तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम जो वर्ड की यूज़ किया, दे एक्ट एज अ पॉइंटर, जो पॉइंटर के लिए यूज़ हो रहा है, एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहा है ये वर्ड। देर आर डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, नाउ लेट अस रीड फ्यू मोर सेंटेंस। ओके, तो ये सारे क्या है, आपके डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अभी आपको थोड़े बहुत और सेंटेंस दिए हुए हैं रीड करने के लिए, जैसे कि दिस चेयर इज़ ब्रोकन, तो ये चेयर जो है वो टूटी हुई है। दैट टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो वो जो टेबल है वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। दिस पेंस राइट वेरी स्मूथ, तो जो पेंस है वो अच्छे से स्मूथली लिखती है। दोज वेजिटेबल्स आर कुकड, तो वो वेजिटेबल जो है वो कुकड है। तो इसमें क्या है, द अबव बोल्ड वर्ड प्रीसेड नाउंस एंड क्वालिफाइड देम, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन चैप्टर 6 ऑफ दिस बुक। ओके, तो ये वही बताया मैंने, जैसे आपको बताया कि दिस वर्ड आपको एज अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं, राइट? जैसे कि हम किसी जिसमें ब्रोकन है, फिर है मेड है, मेड ऑफ वुड है, ये नहीं, इसमें ब्रोकन है, फिर है राइट वेरी है, ये सारे क्या है, आपके एडजेक्टिव है ना, और जो ये वर्ड है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट? नाउ आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, तो उसमें क्या था, जब भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, मतलब कि आपको पता ही है क्वेश्चन मार्क वाला, तो इंट्रो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, तो जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आए, तो उसमें जो प्रोनाउंस होगा, जो क्वेश्चन का होगा, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि वू इज़ योर फेवरेट ऑथर, तो उसमें वू जो है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड
टू आस्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। वू इज़ योर फेवरेट था, तो वू का यूज़ किया हमने क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। फिर विच इज़ द लेटेस्ट हिंदी मूवी, तो लेटेस्ट हिंदी मूवी कौन सी है। फिर है वेयर डू यू प्लान टू स्टे, तो आप कहाँ पे रहने की सोच रहे हो। व्हेन इज योर टीचर्स नेम, सॉरी व्हाट इज योर टीचर्स नेम, तो आपके टीचर का नाम क्या है। ओके, तो ये जो वो विच वेयर व्हाट है वो सारे क्या है, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ओके, वी नीड टू बी अ बिट केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस वर्ड्स एज दे रिसेम्बल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन फॉर्म बट डिफर इन यूजेस। ओके, तो वी नीड टू बी बीट केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वर्ड्स एज दे रिसेम्बल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन फॉर्म बट डिफर टू इन यूजेस। ये क्या है जो ये इसमें, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, व्हाट ब्रीड इज योर डॉग, सॉरी व्हाट ब्रीड इज योर डॉग, तो ये जो ब्रीड है वो नाउन है। ओके, तो नाउन को क्वालिफाई करते हुए क्वेश्चन किया है, तो ऐसा आएगा तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे हमने सिक्स लेसन में पढ़ा था, इसमें भी जैसे हमने बोला कि इसमें भी जो वेजिटेबल है, पैंस है, टेबल्स है, एज वो डायरेक्ट नाउन आता है, उसके बाद क्वालिफाई होता है, तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा, डोमेस्टिटिव। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है सब में। ओके, है ना। तो विच स्पोर्ट्स डू यू एन्जॉय, ओके, तो द अबव बोल्ड वर्ड्स क्वालिफाई द नाउन्स दे आर यूज विथ, दस दिज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अवे नाउ योर नेक्स्ट प्रोनाउंस इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो वॉट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस, लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो वो हमने पहले भी पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउंस इन पर्सनल प्रोनाउंस में उसका पार्ट था ना, वैसे ही। इज दिस अवर कार्स अवर्स, तो अवर्स जो है मतलब कि आपका बिलोंगिंग्स है, तो आप मतलब ऑनरशिप दिखाता हो, तो वो जो वर्ड आपकी ऑनरशिप दिखा रहा हो वो आपका क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो अवर्स है जो मतलब आपकी कार की ऑनरशिप दिखा रहा है, तो वो अवर्स जो वर्ड हुआ वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस हुआ। फिर है इट इज़ हिज, जैसे कि द नोटबुक इज टॉर्न, जो नोटबुक है वो टूटी हुई है, और इट इज़ हिज, तो ये भी नोटबुक की ऑनरशिप दिखा रहा है, हिज जो वर्ड है वो। ओके, तो किसकी है वो, ही उसकी है मतलब की, तो वो क्या हुआ आपका, पॉजिटिव प्रोनाउंस हुआ। फिर इफ़ यू डू नॉट हैव इंग्लिश बुक आई कैन लैंड यू माइंड, तो माइंड जो है वो किसी कोई बात कर रहा है, जो स्पीकर है उसकी ऑनरशिप दिखा रहा है, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउंस हुआ, कि आपके पास इंग्लिश बुक नहीं है तो मैं अपनी आपको उधार देता हूँ, लैंड मीन्स उधार देना। ओके, तो इन द अबव सेंटेंस द बोल्ड वर्ड्स आर पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस वी ही एंड आई विच टेल अस द सर्टेन पर्सन हैव और ओन सर्टेन थिंग और द सर्टेन थिंग्स बिलोंग टू सर्टेन पर्सन। ओके, तो जो मैंने बताया कि ओनरशिप बताना, किसी चीज़ या पर्सन के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखा रहा, वो वर्ड वो क्या होगा, पॉजेसिव, वही बोला है। What is the important here to note is that they do not depend on nouns, unlike possessive adjective. Okay, तो ये है ना, possessive adjective में क्या होता है कि जो possessive adjective होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, noun के ऊपर डिपेंड होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये noun पे dependent नहीं है। If they are used in sentence with a noun, they come after the noun. और ये noun के बाद यूज होगे तो नाउन के बाद आएंगे। ओके, तो समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है इनडिफाइनेट प्रोनाउंस, तो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस में क्या है देख लेते हैं। ये आपका लास्ट प्रोनाउंस है समझने के लिए। तो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर सम नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लाइड आर नोन एज इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। जैसे कि ऑल वेल सेटिस्फाइड, तो जो ऑल है वो क्या है आपका, इनडिफाइनेट प्रोनाउंस है, मतलब कि ऑल जो है, ये ऑल जो है वो नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है। ओके, तो किसी नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए हम, जैसे कि कोई नाउन्स है, वैसे हम किसी को भी इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि ऑल, तो
किसी की भी बात हो रही है ना उसमें ऑलवेज सेटिस्फाइड, तो उसके लिए हम जो नाउन यूज़ करते हैं वो आपका क्या होगा, इनडिफाइनेट प्रोनाउंस होगा। फिर है मैनी वेयर इन्वाइटेड इन द पार्टी बट फ्यू कैम, तो मैनी मीन्स मैनी में कोई भी आ सकता है, बहुत सारे इनवाइट किए गए थे पर फ्यू कम, पर थोड़े बहुत आए, तो थोड़े बहुत जो आए थे वो भी इनडिफाइनेट में, मतलब कि आपको पता नहीं है कि कौन है, तो वो ऐसे जो वर्ड हो गए जो किसी को डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब कि आपको पता नहीं है कि कितने हैं पर पता है कि हाँ कितने हैं वैसे, ओके, तो वो क्या होगा आपका, इनडिफाइनेट प्रोनाउन होगा। तो ओके, तो हमने सारे जो आपके प्रोनाउंस के पार्ट है, ऑल काइंड ऑफ प्रोनाउंस आपके जो है, पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, इम्फेसिव, पोजेसिव, फिर रिलेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, इंडिफाइनाइट एंड इंट्रोगेटिव, ये सारे प्रोनाउंस के टाइप हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।